यूपी के बदायूं में हैवानियत का एक मामला सामने आया है। यहां मंदिर के महंत और उसके चेलों पर एक महिला के साथ गैंगरेप और उसकी बर्बर हत्या करने का आरोप लगा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीड़िता के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई थी। जी न्यूज की वेबसाइट पर प्रकाशित खबर के मुताबिक पीड़िता के प्राइवेट पार्ट में लोहे की रोड जैसी चीज डालने का शक है, क्योंकि पीड़िता के गुप्तांग में काफी चोट के निशान हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता की बाई पसली, बाया पैर और बाएं फेफड़े पर भी किसी वजनदार चीज से हमला किया गया था। बताया जा रहा है कि 3 जनवरी को पीड़िता गांव के मंदिर में पूजा करने के लिए गई थी। वहीं पर मंदिर के महंत और उसके चेलों ने महिला के साथ गैंगरेप किया और फिर उसकी हत्या कर दी। पीड़ित परिवार के मुताबिक देर रात महंत अपनी बोलेरो गाड़ी में पीड़िता का शव उसके घर के बाहर फेंक कर चला गया। इस पूरे मामले में बदायूं पुलिस पर लापरवाही के गंभीर आरोप लग रहे हैं। आरोप है कि पीड़िता का पोस्टमार्टम पूरे 44 घंटे बाद किया गया और स्थानीय पुलिस ने पीड़ित परिवार की फरियाद तक नहीं सुनी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक थानेदार ने वारदात वाली जगह का मुआयना तक नहीं किया और पीड़िता की कुएं में गिरने से मौत की बात कह मामले को रफा दफा कराने का दबाव डाला। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 1 आरोपी फरार है। पुलिस की 4 टीमें बनाई गई हैं। साथ ही लापरवाही के आरोप में उगैती थाना अध्यक्ष रविंद्र प्रताप सिंह को निलंबित कर दिया गया है। कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं? देखिए, इस मामले में थाना उगैती पर हम लोगों ने FIR पंजीकृत किया था, जो 376D और 302 IPC सेक्शन में था। इसमें 3 लोगों की नामजदगी की गई थी, उनमें से 2 लोगों की गिरफ्तारी हम लोगों ने कर ली और पुलिस की 4 टीमें जो हैं, एक फरार अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी के लिए लगाई गई है। फरार अभियुक्त के लिए 25,000 रुपये का इनाम भी मेरी तरफ से घोषित कर दिया गया है और हम लोग लगे हुए हैं, जल्दी ही इस अभियुक्त की भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। सर, आपने घटनास्थल का निरीक्षण किया, सर क्या देखा वहाँ पे? देखिए, घटनास्थल का निरीक्षण मैंने कर लिया है और मोटे मोटे तौर पर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जो परिजनों की तहरीर है उसके आधार पर 376 और 302 का मैटर ये लग रहा है। उसके आगे जो है इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जैसे जैसे जो जो भी चीज़ें और इन्वेस्टिगेशन के दौरान सामने आएंगी वो आपके सामने लगेंगी। शुरुआत में ये आ रहा था कि कुएं में गिर गई है, ऐसी बात सामने आई थी, वो सर इशू है? देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन का इशू है और जैसे ही कल्प्रिट्स की गिरफ्तारी होती है और अन्य अगर हमें कोई स्टेटमेंट्स मिलते हैं, गवाहों के बयान होंगे, तो उससे जो है ये सारी चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। सर, आपकी तरफ से थाना अध्यक्ष को निलंबित किया गया है, क्या और कुछ पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हो सकती है? शुरुआती दौर में जो थाना पुलिस की तरफ से जो लापरवाही हुई है उसके संदर्भ में जो जांच मेरे द्वारा आदेशित की गई थी उसमें तात्कालीन थाना प्रभारी की लापरवाही सामने आई है, उसी आधार पर उन्हें निलंबित किया गया। इसके अलावा भी एक जाँच जारी है और भी अगर किसी पुलिसकर्मी की थाना स्तर पर या अन्य स्तर पर जो लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या क्या? देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में हम लोग एक्सपर्ट मेडिकल ओपिनियन हम लोग ले रहे हैं और CMO साहब हैं, वो भी हम लोगों के साथ ही बैठे हैं यहाँ पे, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर उसको इलेबोरेट कर पाएंगे। सर, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में क्या स्थानीय पुलिस द्वारा, लोकल पुलिस द्वारा कुछ लापरवाही की गई? देखिए, प्रारंभिक तौर पर जो है परिजनों ने रिटर्न कंप्लेंट इसमें नहीं दी थी, परंतु जो तात्कालिक थाना प्रभारी हैं उन्हें मौके का निरीक्षण करना चाहिए था और जो घटना की संवेदनशीलता है उसको उसी तरीके से हैंडल करना चाहिए था। ये जो लापरवाही उनके स्तर पे हुई है, इसी वजह से उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन जो है वो लिया था। लेकिन इस वारदात ने एक बार फिर से यूपी में महिला सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यूपी में महिला सुरक्षा के दावों की पोल खोल देने वाली इस वारदात के बाद यूपी की योगी सरकार भी कटघरे में है। इसी सिलसिले में BSP सुप्रीमो मायावती ने योगी सरकार से बड़ी मांग की। मायावती ने अपने ट्विटर हैंडल से लिखा, यूपी के बदायूं जिले में एक महिला के साथ हुई सामूहिक दुष्कर्म व हत्या की घटना अति दुखद व अति निंदनीय है। राज्य सरकार इस घटना को गंभीरता से ले और दोषियों को सख्त सजा दिलाना भी सुनिश्चित करे ताकि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, BSP की ये मांग है। इस घटना के खिलाफ आम लोगों में भी काफी आक्रोश है। सोशल मीडिया पर लोग इस बारे में आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द शूद्र।